माँ माया टेम्पल से रामपुरी तरफ जा रहे थे। रास्ते के अंदर हमें दिखी ये शहद की एक इन्होंने सेटअप किया हुआ है, तो अभी हम इनके वहाँ पे पास जाके जो ये बी का कैसे काम कर रहे हैं, मक्खियों को कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। और मेरे साथ में खड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? मनजीत सिंह जी। तो मेरे साथ है मनजीत सिंह जी, तो थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। आजकल ये नीचे से आई हैं जी, अम्बाला से। अच्छा। और ये सेब के बगीचों में देते हैं जी किराए पे। अच्छा। पॉलोलेशन में दी हैं जी। अभी इनकी क्लोजिंग दोबारा वापस लग गए आने, तो थोड़ी इनकी देख रहे अंदर कोई नई पुरानी। तो जिस तरह आप यहाँ पे सिर्फ ये डब्बे सेटअप करते हो, जी जी, मक्खी अपने आप आती है? मक्खी अपने आप आएगी, अपने आप सवेरे टेम्परेचर जैसे गर्म हो जाएगा मौसम, ये खुद चल पड़ेगी। अच्छा। इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। तो खाली बस आपने डब्बे रखने होते हैं? हमने डब्बे रखने होते हैं जी, देख रेख है। अच्छा। बीमारी सीमारी से बचाना। अच्छा। नई रानी बुढ़ी होगी कोई, उसको मार। तो आप, मैं देख रहा हूँ ये जो सेटअप कर रखा है इसी के अंदर सोते हो रात को? सारा हमारा ही जी, तीन बंदे हम। अच्छा। रहना सहना हमारा, सारा खाना पीना ही। अच्छा अच्छा जी जी। तो कितनी काफी मेहनत होती है इस काम में? या तो जी है ही जी, अब घर से बाहर आप देख लो। तो अभी मैं आपको देख रहा था जब आप इसके अंदर निकाल रहे थे मक्खियों को, तो आपने चलो मुंह पे ऊपर तो ढका हुआ था, टोपी लगाई होती, पर हाथ जो थे आपके वो हाथ बचा की नहीं होती हमारे को, तो आपको हाथ पे नहीं काट रही थी? हाथ पे काटती है, पर हमारे को आदत पड़ गई है जी, दर्द सहन हो जाता है। दर्द सहन हो जाता है, चूहियां खाएगी ना जी। हाँ। बस या फिर मैंने नाखून भी अजीब से हो रहे हैं। अजीब से तो होने से चीज काटी नहीं। अच्छा। क्यों? ये काटा होगा ना, यहाँ अगर इसने डंग छोड़ दी ना। अच्छा। जान निकल जाती है। अच्छा। डॉक्टर का इंजेक्शन तो कुछ नहीं है जी इसके आगे, यहाँ जान निकल। मतलब आप कह रहे हो नाखून और खाल के बीच में इसके, बस यहाँ जी अगर नाखून कटा होगा। अच्छा। यहाँ ऐसा डंग नरम जगह है ना। हाँ। ऐसा डंक मारेगी ना, दिल का दब छोड़ इसका, बहुत पेन होता है। मैं कह जी पेन बस। तो आप हाथ में क्यों नहीं पहन लेते कुछ? हाथ में जब अति हो जाए, जैसे सर्दी में हम बड़ी जाते हैं सरसों में, पता ही होगा, वहाँ अगर दिख गया भी हद से ज्यादा हो गया तब दस्ताना। पर वही बात है, जितना आप आदत डालोगे फिर एक गंदी आदत हो जाएगी। गंदी आदत हो जाएगी ये सर, हमारे लिए गंदी आदत हो जाएगी। दस्ताने डाल मुंह तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि होठ और आँख को तो मानती नहीं। सेंट पाउडर लगा के आप परफ्यूम लगा के तो मतलब ही नहीं, बढ़ जाएंगे तो। इसका नुकसान नहीं है जी। अच्छा। हाथ में इसका कोई नुकसान नहीं है, गठिया रोग कभी नहीं होगा हमें, कभी हमें सांस की बीमारी नहीं होगी, खून नहीं गाढ़ा होगा, अटैक होने के 90% चांस तो है नहीं। हमारा दर्द तो होता होगा? दर्द तो होता है, ये तो दर्द तो क्यों नहीं। दर्द तो क्या रेट देते हैं यहाँ पे? शायद हम 300 रुपये किलो दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, प्योरिटी की गारंटी है, जहाँ मर्जी आप इसको टेस्ट करा लो, कोई दिक्कत वाली बात। कोई एडिटिव नहीं किया हुआ इसके अंदर? कुछ नहीं है जी, हम दुनिया को यही कहना चाहते हैं, एक आगे भी जमा हुआ शायद प्योर होता है। हाँ। ये थोड़े दिन में दानेदार हो जाएगा घर। हाँ। में जैसे आपके देसी घी होता है लोकल। हाँ। चम्मच से निकालो इसको खा लो। ठीक है। पर 90% लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल हो गया, लोग पढ़े लिखे हैं पर हमारे लिए वो अनपढ़ है। हाँ। एक बात जम गया तो वाला इसमें तो चीनी मिला दिया, चीनी मिला, अगर दिन में ज्यादा लिक्विड हो गया तो वाला इसमें पानी डाल दिया। ओके। यार शहद में भी पानी डालता है कभी कभी, होती है पानी डालता नहीं शहद में, पानी तो नहीं वैसे तो सवेरे आपने वो बात है। हाँ, वैसे माना जाता है कि भी जम जाता है तो उसके अंदर चीनी मिला रखी है तो इसलिए वो चीनी जम गई। विश्वास दिना मुश्किल हो गए, रामदेव से ले लेंगे, डाबर से ले लेंगे, वो जमेगा नहीं, उसको लोग आंखें मीच के खाएंगे, 400 रुपए किलो भी ले लेंगे, 500, ये 300 रुपए नहीं देंगे आप। तो कभी ऐसा हुआ है आपको किसी बालू के सामना हुआ? नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। जैसे बक्सा बाहर छेड़ दिया ना। हाँ। अंदर से आवाज मारेंगे, बक्सा खुल गया। हाँ। हम निकल जाएंगे, वो फरार। अच्छा, वो फरार हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे यहाँ आने लग गया। अच्छा, उसकी मनपसंद चीज है, ये तो है शायद, तो मनपसंद चीज है। ठीक है, ठीक, ये बात है सर। तो ये सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है, नारकंदा से जब आप रामपुर की तरफ चलोगे तो 25 किलोमीटर के आसपास जगह पड़ती है, ये बिल्कुल रोड साइड ही आपको दिख जाएगा। तो कभी आप आएँ तो शायद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि भी ये पूरी तरह नेचुरल होता है, शुद्ध होता है, तो इनसे हम तो परचेज़ कर रहे हैं, यूज़ करके देखेंगे, उम्मीद है कि बिल्कुल ओके मिलेगा। चलिए, स्टे ट्यून्ड।